नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। इस समय हम खड़े हैं रियासी में, जहां पे आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस की काउंटिंग चल रही है। मेरे साथ खड़े हैं भूषण कुमार जी, जो जीत चुके हैं कटरा म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 11 से, भारी मतों से जीते हैं। इन्होंने टोटल 144 वोट लिए हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या मंत्र रहा इनके जीतने का और आने वाले दिनों में क्या कार्य करेंगे। भूषण जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके चैनल है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये हमारे जो वार्ड के 11 के जो लोग हैं उनकी जीत है। उन्होंने एक एक कीमती वोट मुझे डाल के यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। अब रही बात आगे के, उनको जो काम है, जो भी हमारे वार्ड की तो हालत ऐसे ही बहुत खस्ता है। आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था मेरा, वहाँ की गलियाँ नालियाँ, पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, बहुत बुरी है। तो अब लोगों ने वोट दे के जिताया है हमको, तो अपने हम मैं जी जान से उन लोगों के लिए जो भी काम है, चाहे गाली का हो, नाली का हो, चाहे किसी का डोमिसाइल हो, कुछ भी होगा, मैं अब तहे दिल से उसको करूँगा। कैसा लग रहा है आपको बीजेपी जैसी रूलिंग पार्टी को हराकर और एकदम से आगे आ जाना, 144 वोट से जीतना, क्या कहेंगे? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बीजेपी की जो बात है तो सबको पता है ये पार्टी क्या कर रही है इस समय। तो कोरोना में आपने देखा है कि एक बार हमारी वार्ड में नहीं आए हैं, चाहे वो वहाँ का जो चेयरमैन है, चाहे कुछ है, बहुत उल्टे सीधे बयान दिए हुए हैं। यहाँ तक बोला था कि हमने वार्ड नंबर 11 में कोरोना में इतना वहाँ पे राशन दे दिया है कि वो 10 महीने ख़त्म ही नहीं हो सकता है। लोगों में रोष था, लोगों ने निकाल दिया। अभी इतनी बात करेंगे, ये भी जल्दी में है। आपने सुना कि यंग बाइट्स के एक इंटरव्यू में चेयरमैन शशि गुप्ता जी ने कहा था कि हमने इतना राशन दिया है 11 नंबर के लोगों को कि 10 महीने तक उनको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका गुस्सा था, गुस्सा निकाल दिया, बीजेपी को पावर में नहीं लाए 11 नंबर में, और भूषण जी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीत चुके हैं। दोस्तों, आगे भी इलेक्शंस को लेके जो आज रिजल्ट निकलेंगे, इसके आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा।